हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैट। अच्छा, कोई फायदा है इससे? नहीं है, सीधी बात, क्योंकि कितना ही वेलकम कर लूं, आप तो लाइक भी करने वाले हैं ना, कमेंट करने वाले हैं ना, शेयर करने वाले हैं वीडियो को, मतलब सारी दुश्मनी मेरे से निकाल लेनी है भाई। वीडियो देख लेना है लेकिन शेयर नहीं करना भाई, शेयर करो, ठोको लाइक जितना करना है जो करो यार, सब्सक्राइब करो, कुछ बढ़ाओ यार, मुझे भी मजा आया, मुझे बोर लगने लगा ये काम, मुझे लग रहा है मतलब किसके लिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ाओ यार, हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, हमें भी इनकरेज करो, इनकरेज करने के लिए आप बस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया आप कर लो सब्सक्राइब, लाइक करो, ज्वाइन करो, फेसबुक पेज को ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, बाकी तो मैं हूँ आपके लिए। देखिए, छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल क्या है कि करा कि एक पैरेललोग्राम है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं दिखेगा क्योंकि इसको मुझे टाइप करना पड़ा था अपने फॉर्मेट से, तो मैं थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में टाइप नहीं किया हूं, बता दे रहा हूं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम के बारे में बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया कितना है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द एडजेसेंट साइड, ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन से रिलेटेड है इसलिए आपको अपने अनुसार क्वेश्चन बता रहा हूं। बोल रहा है इसका एक जो एडजेसेंट साइड है वो अगर 12 सेंटीमीटर है, इसका एक एडजेसेंट साइड 12 सेंटीमीटर है, तो इससे जो सामने वाली जो साइड है इसके बीच की दूरी बता रहा है कुछ आपसे कि इसके बीच की दूरी निकालनी है, आप बताओ क्या। तो आप यहां से ड्रा करो परपेंडिकुलर, यहां से ड्रा करो परपेंडिकुलर, सब एक ही बात होगी, सब एक ही कहलाएगा। तो ये सीधा सा सवाल कर रहा है, एरिया का फॉर्मूला आपको याद होगा, एरिया होता है बेस और हाइट का गुणनफल, बेस जिसको आप बेस लेंगे उसके सामने वाले जो लंब होगा उसको हाइट कहेंगे, या फिर जिसको आप हाइट कर रहे हैं जिस पे हाइट है बना हुआ, मतलब जिस पे वो खड़ा है उसी को आप बेस कहते हैं, ठीक है। अगर ये बेस लेता तो हाइट हमें ऐसे लेना पड़ता, हमने इसे बेस लिया तो हाइट इसे लेंगे, अब यही हाइट हमें पूछ रहा है कि एच की वैल्यू क्या है, दो नहीं है ऐसे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि 384 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस गुना हाइट, और आपको बोल रहा है कि इसके अनुसार बेस क्या है 12 है, तो हाइट कितना हो गया एच। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं आया कि ये क्वेश्चन मेरे से बनेगा नहीं या फिर आपसे नहीं बना है, ये क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है ये दो क्वेश्चन से कनेक्टेड है, इसी बुक का क्वेश्चन है और उसमें क्वेश्चन अलग है, वहां से क्या इसमें लेना है ये नहीं क्लियर किया है, लेकिन पुराने सवाल में आपका इन दोनों का रेशियो भी दिया हुआ है, आपका एरिया भी दिया हुआ है, तो क्या लेना है वहां से समझ में नहीं आ रहा है, दम नहीं समझ में आ रहा है, आप कुछ भी लेंगे आपको कुछ होने वाला है नहीं, बस इसमें बोल रहा है एक साइड 12 है, अगर एक साइड 12 है तो इसका मतलब बिना एरिया के हम निकाल सकते, तो एरिया हम वहां से ले लिए हैं। हो सकता है इस सवाल में कुछ और कहने की कोशिश किया गया हो, यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाया हो, या फिर अंतर में टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, या फिर इस एरिया में टाइपिंग मिस्टेक हो, इस एरिया में टाइपिंग मिस्टेक नहीं होने का चांस इसलिए है क्योंकि दो क्वेश्चन है दोनों जगह एरर नहीं हो सकता है, तो चांस है कि आपका आंसर में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, और ज्यादा इससे परेशान नहीं होइएगा भाई लोग, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आपको परेशान एकदम ही नहीं होना है। क्वेश्चन आपको मिलेंगे मजेदार वाले, ये दूसरे नंबर के, देखिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चन, जो बना नहीं है वो तो जो पहले से क्वेश्चन बनाए हैं उनको आंसर पता है, जो नहीं बनाए उनको समझ में आएगा, क्वेश्चन समझा दे रहा हूं पहले समझिएगा। बोल रहा है कि आदमी जो 32% डिस्काउंट देता है एमआरपी पे, ठीक है, और जब बेचने जाता है तो पता चलता भैया जितना में खरीदा था उतना ही में बेच दिए, तो पूछ रहा है जो वर्ड जो इसकी उसकी बात कर रहा हूं, तो पूछ रहा है कि व्हाट वाज द परसेंटेज मार्कअप प्राइस, मतलब ये कहने का पूछ रहा है कि जो खरीदा था उसको कितना पैसा बढ़ाकर लिखा गया, बात पकड़ में आई, मतलब बेवकूफी की हद देखिए आप, 100 रुपए में वो सामान कुछ था जिसको वो 100 रुपए में क्या किया था, एमआरपी था उसका 100 रुपए कुछ नहीं था, अभी से मार्केट पे 32% डिस्काउंट दे दिया, मतलब कितना हो गया 68 रुपए में बेच दिया, ये बेवकूफ 68 रुपए में इसको बेच दिया, और बाद में जब अपना देखता है कि किस रेट में खरीदे थे तो पता चला ये 68 में ही खरीद कर मिलाया था,
तो आपसे पूछ रहा है कितना परसेंट बढ़ा करके लिखा होगा दाम, तो आप बताइए 68 में कितना एमआरपी बढ़ा है, तो जितना है घटा होगा उतना ही बढ़ा होगा, तो आपसे 32 बटे 68 इतना ही एमआरपी घटा है ना, तो 68 से 32 बढ़ाया तो 100 में कितना बढ़ाएगा, इतना इतना ही परसेंट निकाल लीजिए आप। देखिए लगभग 32 दोना 64 होता है, 50% से थोड़ा सा कम होगा, 47% ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, आप 47% को मान लीजिए टिक, बाकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन ये है, ये दूसरे क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको लगेगा मजा आएगा। आपको दो तरीका मैं बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक इसमें मेथड मुझे दिख रहा है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन मेरे पास आया जिस भाषा में आया है, इस भाषा में कुछ लिखा हुआ है, उस तरीके को भी एग्जैक्टली बता दूंगा आपको, और उससे आसान कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। हिंदी में पढ़ रहा हूं सवाल, पिछले वर्ष ए और बी की आयु का अनुपात 4-3 था, पिछले साल, देखिए पिछले साल की बात हो रही है, आप समझिएगा पिछले साल की बात हो रही है, 2019 की बात है, पिछले साल ए और बी की आयु का अनुपात बोल रहा 4-3 था, और पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनके व्यक्तिगत आय के अनुपात 3-4, 5-6 है। भाई पिछले साल और अब की बात कर रहा हूं, उसका अनुपात कैसे बदल गया है, 3-4 और 5-6। आपसे पूछ रहा है कि टोटल इनकम फॉर द प्रेजेंट ईयर इज 8.04, तो आपको पूछ रहा है बी का लास्ट ईयर का इनकम क्या है, टोटल इनकम बोल रहा है 8.04। देखिए भैया सवाल अब हट जाएगा आपके लिए, एक बार फिर से आप सवाल अपनी तरफ से पढ़ लीजिए, तब तक मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूं। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ एंड द लास्ट ईयर वाज 4:3 रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम्स ऑफ द लास्ट ईयर एट द प्रेजेंट ईयर आर 3:4 एंड 5:6 रेस्पेक्टिवली, इफ देयर टोटल इनकम फॉर द प्रेजेंट ईयर इज 8.04 लाख, देन इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर क्या लिख दिया, सॉरी नहीं बोला, आपसे पूछ रहा है व्हाट वाज द इनकम ऑफ द बी इन लास्ट ईयर, बात समझ आ गई। देखिए क्या सवाल कर रहा है, समझा रहा हूं, बड़े अच्छे समझिएगा, जिनको भी क्वेश्चन में डाउट है ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि दो आदमी है, मैं हूं एक आप हैं, दो ही लोग हैं, एक मैं और एक आप हैं, है ना, बोला आपका इनकम पिछले साल और मेरा इनकम पिछले साल की बात कही है, मतलब मैं मान ले रहा हूं ये मैं हूं और ये आप हैं, तो बोल रहा है आप अगर 4 आपका इनकम, मेरा इनकम 4 था तो आपका इनकम पिछले साल 3 था, हम दोनों जॉब कर रहे थे, मेरी इनकम कितनी थी 4, आपकी इनकम कितनी थी 3, अब क्या बोल रहा है कि जो मेरी इनकम है, मेरी बात कर रहा हूं आपकी बात नहीं कर रहा, मेरी इनकम इस साल देखा गया है तो 3-4 हो गया, हटाने का मतलब अगर पिछले साल 3 था तो इससे 4 हो गया, लेकिन पिछले साल 3 था क्या, नहीं, पिछले साल कितना था हमारा 4, अगर बात करूंगा पिछले साल 3-4 हो गया है, मतलब 3 से कितना हो गया है 4, तो 1 से कितना हो जाएगा 4/3, तो अगर 4 था तो 4 से कितना हो जाएगा 16/, इसका मतलब ये 4 भी है 16/3 है, अगर पिछला साल 4 था, इस पे बात करूंगा मैं अभी, आपको सवाल समझिए, यहां आपके बारे में क्या बात कर रहा है कि आपका जो इनकम पिछले साल था वो 3 था, मेरी तुलना में 3 था, आपकी खुद से तुलना अगर करूं इस साल और पिछले साल की, तो आपका पिछले साल 5 था और इस साल 6 हो गया, लेकिन मेरी तुलना में आपका 5 नहीं आपका 3 है, ये बात हो रही है यहां पे इसकी, यहां पे इसकी और यहां पे इसकी रिश्ते बिखर रहे हैं, जैसे तैसे, और आप इसको सुधारिए, कैसे सुधारेंगे, सब नंबरों का एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो सबका तोड़ हो, जिसका एलसीएम में कॉमन होता है, देखिए 3-5 सब लगा हुआ है तो 60 ले लेते हैं, इसका मतलब सबको 60 बनाएंगे तो इस रेशियो को कितने से गुणा करेंगे, 15 से गुणा कर दें, आपको लिख दे रहा हूं यहां पे 60 हो गया और ये 45 हो गया, अब बात बनेगी सही से, अब देखिए आपकी इनकम कितनी है 60, सॉरी आपकी इनकम 45 मेरी 60, इसको भी आपको बराबर करना है, क्योंकि ये भी तो वही बात कह रहा है, पिछले साल आपकी मेरी इनकम 60-45 है, तो बनाइए ना 60-45, इसको 20 से गुणा कर दें, तो आपका इनकम हो गया, मेरा इनकम 60 हो गया और ये 80 हो गया इस साल का इनकम, आपका इनकम पिछले साल कितना 45 है, 45 बनाइए ना 9 से गुणा कर लेते हैं इसको, 9 से गुणा कर ले तो आपका ये 45 हो गया और आपका ये 36 हो गया, मेरे गुना भी बड़ा तगड़ा है, देख रहे हैं ना 54 हो गया, तो आप बताइए कि अब बात क्या रही, सवाल समझिए, सवाल ये है कि आपका इनकम 45, मेरा इनकम पिछले साल 60 था,
आपका इनकम बढ़ के 54 हो गया, मेरा इनकम बढ़ के 80 हो गया, और ये टोटल इनकम आपको बोल रहा है कितना है 8.04 है। तो आपसे पूछ रहा बी का इनकम 45 का इनकम, तो आप बताइए 04 किसका है वैल्यू 80 और 54 134 का, तो आपसे पूछ रहा है कितना 45 का वैल्यू क्या होगा, आप निकाल लीजिए। देखिए मैं काट रहा हूँ कैसे, देखिए कैसे काटते हैं, 135 है लगभग, 15 से तो पक्का कटेगा, और आप स्मार्ट है तो सीधे इससे 3 मरतबे काट दीजिए, और देखिए कि 81 अगर ये होता तो 27 मरतबे कटता, मतलब 2.7 के आसपास जो ऑप्शन है उसको 2.8। और देखिए फ्रैक्शन मेथड भी बता दे रहा हूँ आपको, फ्रैक्शन मेथड जो आपको आपने जो भेजा मुझे उसमें फ्रैक्शन मेथड दिख रहा मुझे, तो शायद फ्रैक्शन मेथड से समझ जाए। एक बार देखिए तो बोल रहा है कि रेशियो 4 और 3 का है, रेशियो 4 और 3 का है, और मेरा हो जाता है 3 से 4 और आपका हो जाता है 5 से 6। आप मुझे बताइए अगर मेरा 3 से 4 हो रहा होगा तो 1 से कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अगर मेरी एक इनकम यहाँ रहती तो यहाँ 4/3 हो जाती, लेकिन मेरी एक नहीं है, मेरी 4 भैया, तो 4 रहेगी तो यहाँ 4/3 से 4 को गुना कर देंगे इतना हो जाएगा। आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे आप देखिए 5 से 6 हो गई है, मतलब 1 से कितना हो जाएगा 6/5, लेकिन आपकी इनकम कितनी है 3 है, तो 3 के हिसाब से कितना हो गया ये। आप देखिए क्या कर दिया मैंने, मैंने बोला कि भैया आपकी इनकम, मेरी इनकम इतनी, आपकी इनकम इतनी, आप बताओ कुल मिला के इनकम, तो आपके लिए सर 8.04 लाख। आप जोड़ेंगे देखिएगा क्या आएगा, ये आ गया 16/3 और ये आ गया 18/5। एक बार जोड़िए मेरे साथ 16/3 और 18/5, 16/85 आया था उस पर, 18/3 54 आया था उस पर, 5/3 15, ये 15 नहीं आया था, इतना बटे 15 है। आपको निकालना किसका है, 3 का वैल्यू निकालना है, आपको कितना एक वैल्यू निकालना है 3 का, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 8.04 और ये 15 इधर आके गुणा हो जाएगा, ये भागा हो जाएगा 134, और 3 की वैल्यू आपको निकालनी है, देखिए 3 की वैल्यू निकाल लीजिए, 3 से गुणा कर लीजिए, यही तो मेरे साथ भी आया था 45 और 135। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप बार बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आता है कमेंट जरूर कीजिए, और समझ में आता तो भी कर दिया कीजिए, नहीं समझ में आता तो इसलिए कि मैं दोबारा आपको समझाऊं, और समझ में आता तो इसलिए कि मुझे पता हो कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही है, क्योंकि मेरे बोलने का क्या फायदा अगर आप ही नहीं समझ रहे, आप ही के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो बहुत तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो सुनते ही नहीं है, और एक होते हैं जो सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है, और एक होते हैं जो सुनते हैं समझते हैं लेकिन उस पर अपना मत नहीं रखेंगे, अपना व्यक्तिगत मतलब जो अपनी बात उस पर कहनी है, जो रिएक्शन होना चाहिए वो नहीं रखेंगे। और बहुत कम लोग होते हैं जो सुनते भी हैं समझते भी हैं और उस पर अपना रिएक्शन भी देते हैं। आप उन्हीं में से बनिए, जो बहुत कम होते हैं वही बहुत अच्छे होते हैं, वही बहुत ऊपर जाते हैं। जो छोटे मोटे लोग तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, एवरेज लोग तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन हटा दीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन करें एक नंबर है, कितना डिजिट का इससे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन को ऐसे ही दे देता है उठाने के लिए, रचना चाहते तो रचे, नहीं रचना चाहते तो भी करिए। बोल रहा है 72 से अगर कट जाए पूरा पूरा, और साथ में एक रिश्ता दिया है कि ये अगर 20 से बड़ा हो, ये 72 से कट जाए उसमें भी ये अगर 20 से बड़ा हो, तो आपको बताना पूरे -5 का वैल्यू। पिछली बार भी आपका सेम क्वेश्चन था, हालांकि आपको थोड़ा सा नहीं दिक्कत हुई थी समझने में, बहुत अच्छा लगा आप बताएं मुझे, तो हालांकि वीडियो पे कमेंट करके तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए देखिए, अब यहां पे आपको डिटेल में बता रहा हूं, 72 से कोई भी नंबर कटेगा इसका मतलब इसके सारे फैक्टर से कटेगा, कटेगा 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, खुद 72 किससे कटता था, कहेंगे सर 2 से 3 से 4 से 6 से 8 से और भी चीजें हैं जिससे कटता है। हमें पता करना है सिर्फ दो वेरिएबल दिया हुआ, दो फॉर्मूला, दो इक्वेशन निकल गया तो हमारा काम हो जाएगा, तो हम दो इक्वेशन इसके लिए लेंगे, इसके लिए हमको दो ही नंबर से इसको चेक करेंगे। अच्छा 72 से कटे का मतलब 72 से पूरा कटे का मतलब है, मतलब अगर इसको 36 और 2 लिखेंगे तो 36 से भी पूरा कटना चाहिए, 2 से भी पूरा कटना चाहिए, 8 और 9 लिखे तो 8 से भी पूरा कटना चाहिए, 9 से भी पूरा कटना चाहिए। ये बात है आपको समझ में आ रही। चलिए अब देखिए 8 से भी कटेगा या 9 से भी कटेगा, अब आपको चूज क्या करेगा, आप ये चूज करेंगे, ये चूज करेंगे, या फिर कोई और ले लूं मैं, अब 12/6/72 ये ले लूं। अब देखिए कि इसमें जो डिविजिबिलिटी का नियम 2 है वो यहां भी है, तो ये नहीं लेगा, दोनों कॉमन आ जाएगा, हमें उतना ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है।
और उसके बाद 36 का नियम भी तो आपको पता होना चाहिए, तो 36 के नियम के लिए आप उसको तोड़िएगा, 6 के नियम पे आइएगा तो और दिक्कत है। 12 का नियम आपको पता है तो 6 से रिश्ता लगता है, तो आपको ये भी काम है। ए 8 एक ऐसा जिसका एक अलग नियम होता है, ये 9 एक अलग नियम भी कराता है, दोनों अलग अलग नियम लेकर आता है, तो हमारा यही दोनों यहाँ पे काम करने वाला है। मतलब इसको आप लिखेंगे 8 × 9, क्लियर। अब देखिए क्या है, अब ये 8 से नंबर कटना होगा और 9 से कटना होगा। 9 से कटने का नियम समझ लीजिए, अच्छे से समझिएगा इसको, इसको क्या नियम है और कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि नियम आप सबको पता है। एक बार हम बोल देंगे सर 9 से कटेगा तो सब कटेगा, उसको अप्लाई आप नहीं कर पा रहे ठीक से, आपको कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन आप एक बार देखिए जो अप्लाई कर रहे उनकी अच्छी बात, जो नहीं कर रहे देखिए। 4, 6, 5, 3, 7, 8, 2, 1, ये 9 से कटेगा कि नहीं कैसे चेक करते हैं आप, तो आप करेंगे सर 4, 6, 5, 3, 7, 8, 2, 1 जोड़ेंगे और कहेंगे सर 9 से इसका जोड़ देखेंगे कितना आया, 9 से कटा तो 9 से कटा, नहीं तो नहीं कटा, नहीं कटा कोई बात नहीं, मुझे नहीं जोड़ने आता है, मुझे नहीं जोड़ने आता 10,000। आप मुझे बताइए कि अगर जोड़ 9 आ जाएगा तब भी तो आप कहेंगे सर 9 से कट जाएगा ये, अगर जोड़ इसका सम 9 आ गया तो भी तो आपका काम हो जाएगा, 9 से कटेगा, 18 आ जाएगा तो 18 से कटेगा, 27 आ जाएगा तो भी सर 18 आ गया तो भी 9 से कटेगा, 27 आ गया तो भी 9 से कटेगा, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो सम 9 आए या 18 आए या 27 आए, आप एक ही बात हर किसी में कहेंगे सर 9 से कटेगा। और अगर सम 10 आ गया इसका मतलब क्या आप कर रहे हैं, कहेंगे सर शेष हो जाएगा, होगा ना, अगर यहां 19 आ जाए तो भी कहेंगे सर शेष तो एक ही है फिर भी। आप ध्यान दीजिए कोई भी टेबल कोई भी पहाड़ा जब लिखा जाता है तो वो पहाड़े में खासियत होती है लगातार दो का अंतर वही पहाड़ा का बात होता है, मतलब 9 और 18 का अंतर 9 आएगा, 18 27 का अंतर 9 आएगा, साथ में 9 में एक और खासियत बात है, 9 को पूरे टेबल को देखिए दोनों डिजिट का सम हमेशा 9 होता है, 8 + 1 = 9, 2 + 7 = 9, 36 में देखिए 3 + 6 = 9, ये एक अलग खासियत है 9 के टेबल में। मैं बता रहा हूँ कि देखिए आपको क्या करना है, जैसे ही 9 अगर आ गया तो 9 को आप भुला जाइए, क्योंकि अगर टोटल सम 27 होना है, अगर टोटल सम 27 होना है 9 भुला जाएगा तो 9 कम आएगा, सम होगा 18 आएगा, सम कटेगा तो फिर भी, कहने का मतलब जैसे ही आप सम आता है आपके बराबर 9, जैसे देखिए यहाँ पे आप जोड़ लीजिए कितना आएगा, तो 6 + 4 = 10, 5 + 15 = 18, 7 = 25 और 10 = 35 = 36 आ गया टोटल, 9 से कटा कट गया। अब मेरे साथ कीजिए, मैं बोल रहा हूँ जैसे ही नाम आ गया आप उसको हटा दीजिए, देखिए 4-5 दिखाना हटा दीजिए, इससे क्या होगा कि 36 का जगह 27 आएगा, 9 कम आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए 7 है 2 है इसको भी काट दीजिए, अब देखिए अब 2 बार 9 काट दिया मतलब 2 बार हटा दीजिए 18 आएगा सम, अब चेक करते जाइए 18 आएगा, 1 बार और काट दिया और 1 बार और काट दिया, सारा कट गया 9 से, 0 आ गया रिमाइंडर, 0 खुद 9 से कटता है, 0 सम आ गया 0 खुद 9 से कटता है, 9 से कटेगा। तो यही तरीका आपको यहाँ यूज करना है, ऐसा नहीं कि आपको सबको जोड़ना है। अब देखिए 6 और 3 = 9 होता है तो ये हट जाएगा, अब बताइए 8 और 4 = 12 होता है, लेकिन 8 के साथ 1 चाहिए थे, इसको काट दिया और इसको काट दिया, 3 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, की बात है, हमने 1 इसके साथ मिलाकर 9 काट दिया, 3 बचा और 3 को इसके साथ ले लिया 7 ले लिया, ध्यान रखना है आपको बच गया 1 बच गया 2 और बच गया 7, ये 9 से कटना चाहिए, बात इतना है। अब मुझे बताइए कि ये अगर 9 से कटेगा तो 2 तो आपके पास है, मतलब ये दोनों मिलाकर 2 बन जाएगा तो 7 और 2 9 से कट जाएगा ना, नहीं कटेगा, अच्छा ये बताइए 18 होगा तब कटेगा, 18 होगा तब कटेगा, चलिए तो 7 तो आपके पास है तो 11 और चाहिए, कहने का मतलब ये बात हो गई कि 1 + 2 या तो 2 हो तो भी 7 के साथ मिलकर 9 होगा और कटेगा, और 1 + 2 = 11 हो तो भी 7 के मिलकर 18 बनेगा और 9 से कटेगा। आप कहेंगे सर इस हिसाब से बहुत सारा हो जाएगा, बिल्कुल ही सही बात है, आप देखिए कि अगला जो होती है 27 होता है, मतलब ये 7 है तो 20 हो जाएगा तो भी कटेगा, लेकिन अब कहाँ पे जाकर रुकेंगे इसके लिए क्या करेंगे, आप देखें कि ये जो ए और बी है, यहाँ जो ए और बी है ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये एक अंक है, ये तो डिजिट है, अगर ये तो आप मुझे बताइए कि ये 9 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है कभी, मतलब दोनों मिला के दोनों बहुत ज्यादा होगा तो 9 होगा, इसके इतना ही अवकात है तो 18 तक ही अवकात है तो 20 तो हो ही नहीं सकता, मतलब एक बात 9 से जब डिवाइड करने आप चले तो आपको एक बात समझ में आई कि दोनों का जो सम है ये सम क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 11 होगा,
अब बात करते हैं आज 8 से डिवाइड करने वाले नियम का। अब 8 से डिवाइड करने के नियम अभी तक नहीं अपने नप लगाया है, तो लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से कट जाए तो ये भी 8 से कट जाएगा। चलिए डिवाइड कीजिए मेरे साथ, इसको करके भी कुछ सोचना है तो एक बार खट से निकल जाएगा, बात खत्म हो गया। आप ऐसे काटिए ऐसे काटिए, जिनको जैसे काटना काट लीजिए भाई, मैं इसका साइड कर दिया। अब यहाँ पे 0 देंगे और यहाँ बी आएगा, ये इसको आपको नहीं समझना, ये दिखा रहा हूं अगर यहाँ कंफ्यूजन हो तो यहाँ बी उतर कर आ जाएगा। ये 8 से कटेगा कब आपको पता है, यह बी है, ये क्या हो सकता है 9 हो जाएगा अगर मान लेते हैं, सबसे बड़ा सवाल कर रहा हूं, तो 9 हो जाएगा, तो 9 8 से लगाएंगे एक बार, एक बचेगा से सर 14 बचेगा जो कि नहीं कटेगा, मतलब 9 नहीं हो सकता है। तो अब उससे आसान तरीका जो होता है वही होता है कि आप देखिए कि 8 का टेबल में कब इकाई स्थान पर 4 आता है, तो कहेंगे सर 8 × 3 और 8 × 8 ये 24, ये 64, मतलब ये क्या होगा, या तो आपका 6 होगा या आपका 2 होगा, एकदम सीधी बात मैं बता रहा हूं। अब आप कहीं ये है क्या, ये बी है, बी के बारे में आपको पता चल गया ये 2 होगा, यहां पे बात कर रहे हैं बी अगर 2 हो जाएगा तो ए कितना हो जाएगा, इस हिसाब से देखिए, इस हिसाब से 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी तो सम आपका हो जाएगा 2, क्योंकि सम आपका 2 होना है, अगर नहीं तो सम आपका 11 भी हो सकता, तो अगर बी 2 होगा तो ए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, एक कंडीशन का अगर ध्यान नहीं रख रहे तो बात कर रहा हूं मैं। तो इसके बाद अगर आप अब बी को आप 6 करेंगे तो 6 करेंगे तो ये तो हो नहीं सकता है, मतलब बी को आप अगर 6 करेंगे तो ए कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, तब भी तो ये बात सही है, 6 × 5 = 11 सम 11 होना चाहिए, सम 11 होना चाहिए। लेकिन अगर साथ में आप इसको ध्यान रखते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट पर बात करेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना, अभी मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसका, इसलिए बहुत लंबे चल रहे हैं। ए बड़ा है बी से, तो ए बड़ा है बी से, तो ये तो आपको उसी समय बंद कर देना चाहिए था, जैसे ही देखना चाहिए कि बी अकेले 2 हो गया तो ए तो 2 से छोटा होगा, तो आपको ये उसी टाइम काट देना चाहिए था, सिर्फ 11 को नोटिस करना। अब 11 को जैसे ही नोटिस करेंगे ए आपका बड़ा है, तो ए देखिए बड़ा है और ए यहां भी बड़ा है, ये क्या है, यहां भी बड़ा है और ये यहां भी बड़ा है। तो अब आपसे पूछ रहा है क्या जी, निकाला क्या था, 4b − 5a। तो आप देखिए कि यहां क्या आ गया है, यहां b जैसे हमने 6 लिया है, पीछे था b 6 लिया है, तो ये आपका हो गया 5। अब बताइए कि a बड़ा है कि नहीं है, a बड़ा है नहीं है, ये कहां बड़ा है, सिर्फ यहां पे ये बड़ा है। तो आप मुझे बताइए कि अगर इसकी बात आप निकालेंगे तो 4 को ये से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, आप यही बात करेंगे ना, क्योंकि यही एक ऐसा चीज है जो बात कह रहा है कि ये बड़ा है, इसमें भी आपको दिख रहा होगा ये बड़ा नहीं है, ये छोटा, ये तो 5 ही है, तो यही एक बात है। तो डायरेक्ट मतलब जो कंडीशन दिया तो सारे कंडीशन हमको यही पता चला, ए 9 होगा बी 2 होगा, तो ए अगर 9 होगा, ए अगर 9 होगा बी 2 होगा, तो ए 9 डाल दीजिए बी 2 डाल दीजिए, तो आप देख लीजिए क्या निकलता है। तो यहां पे आपको सारी चीजें इस क्वेश्चन में मैं इंक्लूड किया हूं, इस क्वेश्चन में सारी चीजें इंक्लूड किया हूं जो चीजें होनी चाहिए। तो आपको यहां से जो चीजें समझ में आई है वो एक बात ये समझ में आई है, कोई भी नंबर 9 से कटेगा कब, जब उसका सम 9 से कट जाएगा। 8 से कटने का नियम है कि लास्ट का 3 डिजिट जो होता है ये 8 से कटेगा बराबर बराबर कब। अगर डिविजिबिलिटी आपको नहीं ध्यान में है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी नंबर 9 से कब कटता है, जब उसका पूरा का पूरा सम 9 से कट जाता है, और 8 से कब कटता है, जब पूरा का पूरा सम 8 से कट जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो तरीका बताया हमें चेक करने का, 3 का जो डिविजिबिलिटी होता है, 3 का जो विभाजिता नियम होता है, उसमें भी यही होता है कि 3 का सम 3 से कटना चाहिए, वहां भी जैसे 3 मिल जाए, 9 मिल जाए, 6 मिल जाए, उसको खट-खट उड़ाते जाइए, क्योंकि वो तो ऐसे भी कट रहा है, वो कुछ नहीं करने वाला है। ये चीज और समझिएगा, यहां जो बचकर आता है, जो बचता है, ये रिमाइंडर बताता है, जब जोड़ेंगे आप इस तरह से काट काट के जो आखिरी में जुड़कर आएगा, अगर 9 से छोटा है तो वो रिमाइंडर है, 9 से छोटा नहीं है तो देख लीजिए उसमें 9 घटाकर, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं आपको,
इसे आप देख लीजिए, मान लीजिए 4, 5, 8, 2, 3, 6 इस तरह से ये दिया हुआ है। अगर आपसे कुछ आप चेक करना चाहेंगे 9 से कटता है कि नहीं, तो आप देखिए 5 और 4 आपका 9 बात खत्म, 6 और 3 9 बात खत्म, 8 और 2 1 यहाँ बच गया, अब ये 9 खत्म। तो ये जो बचा नहीं, ये रिमाइंडर होता है 9 से भागा देखिए 3 6। आप इसको अपनी तरफ से जोड़कर चेक कर लीजिए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आऊंगा आपके द्वारा दिए सवाल को देखकर। और भाई साहब एक बात याद रहे फिर से, ऐसा है कि बोल रहा हूँ अभी प्यार से इज्जत से डॉट वीडियो बनाना छोड़ दूंगा मैं। Really, I am going to frustrated man. Just share your video, share my videos, watch the videos, give a like, give a dislike, give a comment, whatever you want, but do something that encourages me. Thank you.